राम राम जी सर ने उड़ान कैंपस बरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप बात करेंगे भारत के ऊपर पहली बार आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम, उसका बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों अपने देश के ऊपर आक्रमण किया था, उसका क्या कारण था। जो देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो आपने डिटेल मिला, जो वर्णन मिला है वो चचनामा ग्रंथ में मिले हैं। किस में मिला है जी? चचनामा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपने डिटेल मिले हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर जो आक्रमण है वो क्यों किया था। देखो हिंदुस्तान अपना ये और पाकिस्तान ने भी जो आप मिला दिया तो ये अपना 1947 तक पहले का हिंदुस्तान यही है। इसके अंदर अपन क्या मिला दिया? पाकिस्तान मिला दिया। और ये क्या है? श्रीलंका। एक बार की बात है, श्रीलंका के एक राजा हुआ करते थे, उसने गिफ्ट भेजे अरब का एक खलीफा था, अरब का खलीफा जिसका नाम था वालिद प्रथम। अरब के खलीफा थे वालिद प्रथम, वालिद प्रथम खातर गिफ्ट भेजे थे इसने, श्रीलंका का राजा ने गिफ्ट भेजे। लेकिन देवल की एक बंदरगाह है जो कि उस टाइम पर हिंदुस्तान में थी, और जो सिंध का राजा था राजा दाहिर, सिंध का एक राजा था जिसका नाम क्या था? दाहिर। उसका क्षेत्र में एक बंदरगाह पड़ा कर दी देवल। देवल में कुछ गिफ्ट थे जहाजा में, समुद्री जहाज थी और उन समुद्री 8 जहाज थी। टोटल कितनी जहाज थी? 8। इव ये गिफ्ट लूट लिए गए देवल के कुछ लुटेरे, जो लुटेरे थे उन द्वारा। जब इन्हें लूटे तो उर्ते एक जो इनमें जहाज में व्यक्ति बैठे थे उनमें तो एक व्यक्ति मसा जैन बचा के ने अरब पहुंच गया, और अरब जाके खलीफा जो थे वालिद प्रथम, इस तक सारी कहानी बताई अगर मारा गया न्यू बात बीत गई। इब इसने क्या करया? उर का गवर्नर था, अरब का गवर्नर अल हजाज गवर्नर था, इस तक न्यू बिला बउरा। तेरे एक बात बताऊंगा, न्यू सिंध प्रांत का देवल बंदरगाह पे अपने न्यू गिफ्ट आन लग रहे थे जो कि श्रीलंका का राजन भेजे थे और ये लूट लिए गए। इब इसने जो अल आजाज है इसने लव लेटर भेजा किस दौरे? सिंध का राजा दायर दौरे। अगर न्यू न्यू लुटे गए हैं, एक काम कर, या तो लुटेरिया बेरा पैड के मारा दौर भेज दे, और जे भाई तेरे पर बेरा नहीं पैड़ा जाता हो तो मारा दौर है तेरा दौर है, खुद का दौर है मारा दौर भेजने पड़ेंगे, क्योंकि यो जो लूट हुई है यो तेरे एरिया में हुई है। यो सिंध का राजा दायर यो भी अपने आप में पूरा खब्बी खान था। इसने क्या किया? न्यू ब्लैक भाई इसे लव लेटर तो मेरे दौरा बेरान दिन में क्या हुआ है। इसने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अल अजाज ने दोबारा फिर सिंध का राजा दायर दौरा दोबारा फिर लव लेटर भेजा, अक भाई तो मेरी बात पर गौर कर, अन्यू न्यू बात से इसने पूरा कर, लेकिन यू फिर इसने इग्नोर मार दी। फिर इसने अल अजाज ने इसका सेनापति था कौन? सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का थापी लाई, अकबई जय न्यू सिंध का राजा दायर उस तक बता अकबई मामे के चीज सा। इब अपन सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम अपना देश में आया था आक्रमणकारी, पहला अरब आक्रमणकारी था, यह ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका ऊपर आप चर्चा करांगे। पहला, इसका जन्म कद हुआ था? 31 दिसंबर 695 ईस्वी में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी में हुआ। इसका बाबू का क्या नाम था? इसका बाप का क्या नाम था? पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ,
कासिम बिन यूसुफ इसका बाबू का नाम था। और बचपन में जिस टाइम पे ये छोटा था उसे टाइम पे कासिम बिन यूसुफ की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, मर गया था। तो फिर इसका जो लालन पालन है, जो पालन पोषण है, वो इसका ताऊ ने करा था। और इसका ताऊ और कोई कौन था, खुद अल हजाज था। अल हजाज, अल हजाज कौन था, इसका ताऊ था। इसका ताऊ ने इसका लालन पालन कराया और इस तक तलवारबाजी, निशानेबाजी सारे में यूके बना दिया, परफेक्ट बना दिया। और लास्ट में 17 साल की उम्र में यू सेनापति बना दिया। कितनी एज में, 17 साल की एज में यू के बन गया, सेनापति बन गया। इब क्या कर इस थी न्यू बिला जय भाई तो और न्यू जाके नहीं इस थी धूल चटा। इब अरब का और जो अपना सिंध है इसके बीच में इंदकुश पर्वत पड़ा है और इंदकुश बीच का पर्वत के बीच में खैबर दर्रा है। कौन सा दर्रा है याद रखना है, ज्योग्राफी के जे पॉइंट ऑफ व्यू तो भी देखा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंदकुश पर्वत में एक दर्रा है, उसका क्या नाम है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा का रास्ते 712 ईस्वी में, कब 712 ईस्वी में भारत की धरती पर पहुंच गया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत की धरती पहुंच गया। और सबसे पहले यू कड़ा पहुंचा देवल में, जरा लुटे गए थे ओड़े पहुंच गया। ओड़े जाके इसने सबसे पहले तो क्या करया, थोड़ा साफ कर देवा, नोट कर दे रही हो भाई साथ में, नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो नोट करोगे अपना एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप एक कति हरियाणवी में यह वीडियो बनाने लग रहे हैं ताकि आपने समझने में मजा आवे और साथ के साथ आप नोट कर लो ताकि पेपर में भी आपका इसका फायदा हो। तो देवल बंदरगाह जो है उर सबसे पहले इसती 712 में, 712 ईस्वी में इसते आक्रमण करया। सबसे पहले क्या करया, भोलेनाथ का मंदिर था शिव शंकर भोलेनाथ का, वो तोड़ दिया। सबसे पहला काम क्या करया, शिव शंकर भोले, क्योंकि इनका एक काम हो करता लूटपाट करना, आपका धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ में यो आपका बदला भी लेना था। इसने सोचा सारे काम इकट्ठे निपटा दूँ, पहले देवल के ऊपर हमला कराया, भोलेनाथ का मंदिर तोड़ दिया। दूसरा इसने 3 दिन तक नरसंहार कराया भाई, नरसंहार कराया 3 दिन तक। और जो 17 साल तो ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे, 17 साल से ऊपर लगभग सारे के सारे मौत का घाट तैर दिए मोहम्मद बिन कासिम ने। इब देख लो कितना जालिम बंदा था, 17 साल तो ऊपर के जितने भी थे सारे के सारे लगभग मौत का घाट उतार दिए। तो इसी तीसरा काम यूँ कर दिया। चौथा, जो कुछ बच गए थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने जजिया कर लगाया था। इब आपा न्यू बेरा होना चाहिए कि जजिया कर के वो है गैर मुस्लिम कर होता जी, गैर मुस्लिम कर, यानी जो मुसलमान नहीं है उसने इब टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और इसे तक वहां पे जजिया कर, गैर मुस्लिम कर लगाया इसती। फिर यू के इसती के काम करया, चलो देवल में तो इसती जो करना था कर दिया। फिर यू आगे बढ़िया, इसकी सिंध की राजधानी थी, सिंध की राजधानी अरोर, के नाम था जी अरोर। इब अरोर में बैठा था कौन, राजा दाहिर। राजा दाहिर ने बेरा पिट गया, अब यू न्यू मोहम्मद बिन कासिम तेरा क्षेत्र में आ गया। यू न्यू बोला भाई आपके जो भी दाती है गंडासे है जो भी आपके ठाओ और ठाए के नहीं इसका नहीं चालो भाई। इब यू अरोर तो यू चल पड़िया और देवल तो यू चल पड़िया। दनुआ का आपस में मुकाबला रावर में हुआ, रावर, रावर में धनुआ का आपस में मुकाबला होया। और न्यू कहा जावा है रावर का मुकाबले में जो भीषण युद्ध होया था उसका में राजा दाहिर की मृत्यु होगी। किसकी, राजा दाहिर की क्यों होगी मृत्यु। इब राजा, जो राजा था उसे की मृत्यु होगी, तो सीधी इस बात से भाई सिंध प्रांत के ऊपर कब्जा किसका हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो गया, कब्जा हो गया। इब मोहम्मद बिन कासिम इब जो काम खाते रह रहा था नहीं वो तो इस्ती कर दिया। इब इस्ती के करना था, इस्ती के कर जो अपना दायर था इसकी पत्नी का नाम था लाडी बाई, लाडी बाई गले के कर लिया, ब्याह कर लिया, शादी कर ली।
लाडे भाई इसकी पत्नी थी राजा दाहिर की, उस गलत कर ली खुद ने शादी। इब राजा दाहिर की दो पुत्री और थी, यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने मारण के उस मारण में बहुत ज्यादा तगड़ा रोल निभाऊगा। इसकी दो पुत्रियां थी राजा दाहिर की पुत्रियां, के नाम था सूर्या देवी और प्रीमल देवी। सूर्या देवी और प्रीमल देवी दो पुत्रियां थी किसकी, राजा दाहिर की। उनती क्या करया न्यू बोला भाई इनती ले चलो, और राज जो अपना खलीफा था खलीफा उस तक देवांगे, न्यू कह देंगे कि भाई ल इनके लिए ब्याह कर ले, तो भाई अपना खलीफा भी अपने कुछ ना कुछ खुश होगा। या तो उस खातर तो भाई खुशी की बात थी, क्योंकि हिंदुआ की क्या थी छोरी थी, और हिंदुआ की छोरी के लिए कर रहा था ब्याह कर रहा था, तो बड़ी खुशी की बात थी उस खातिर भी। तो यू इस तरीके सोचा कि भाई तन भी कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा इसका बदला, और यू उनती आपके गले ले गया और जाके खलीफा दो इस्तीके कर दी, पेश कर दी। लेकिन सूर्या देवी और प्रीमल देवी बड़ा दिमाग वाली छोरी थी, इनने के गया खलीफा तक नहीं उबली, अगर भाई जब तुम्हारे गले शादी करना चाहो है देख तेरे दरबार में रहे हैं तेरी जगह पर रहे हैं, जब तो शादी करना चाहो तो कर सके है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तने एक जो मैं राज की बात बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम मार गला संभोग कर चुका है। इब या भाई खलीफा खतर तो बड़ी गुस्से की बात थी, अगर भाई मोहम्मद बिन कासिम ने इतना घटिया काम कर दिया और फिर मेरे तक इनको इनके लिए ब्याह कर ले, तो इसने क्या कराया मोहम्मद बिन कासिम बुलाया, और सिर्फ बुलाया को नहीं, यूँ बोलिया इसती बैल की खाल में जो अपना खागड़ो है बैल की खाल में लपेट के लेके आओ। इब यू बैल की खाल में मोहम्मद बिन कासिम ने सैनिक लपेट के लेके आए, करना तो था पेश, लेकिन यू उस खाल में इतना लपेट दिया कि इसका दम घुट गया और मोहम्मद बिन कासिम की क्या होगी, डेथ होगी, मृत्यु होगी, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होगी। लाडे प्रीमल देवी और सूर्या देवी ने बोली एक सच्ची बात बतावा, मामने तो हमारा बाबू की मौत का बदला लेना था, इसे बात खतर मामने के कह रहा था या कहानी रचाई थी, इसा हमारे बीच में कुछ को नहीं होया। फिर जो इनका खलीफा था वो और क्या हो गया, गुस्से में लाल हो गया, जमा कति लाल पीड़ा हो गया, और नहीं बोला भाई इन एक काम करो, सूर्या देवी और प्रीमल देवी इन दोनों ने घोड़े की पूंछ का बांध दो, घोड़े की पूंछ तो बांध दो, और जब तक ये नहीं मरे तब तक घसीट दे ले जो। अब प्रीमल देवी और जो सूर्या देवी है दनु घोड़े की पूंछ को बांध दी और तब तक घसीटी गई जब तक इनकी डेथ नहीं होगी। तो आपन किसके बारे में पढ़िया, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़िया। इसका जन्म कद होया, यू सेनापति कुकर बनया, और सेनापति बन के भारत का मैं क्यों आया था, के कारण था इसका वर्तमान का, और इसकी मृत्यु कैसे हुई, आपन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़िया। इसी प्रकार आपे जो अलग अलग तरह के आक्रमणकारी थे, यू तो अपना अरब आक्रमणकारी था जो पहला अरब आक्रमणकारी था, आपे तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ांगे, पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो करांगे। हमारे चैनल के लिए जुड़े रहो, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपे पढ़ते रहोंगे। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।